जो स्टूडेंट देखिए बीएससी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, जो बीएससी फर्स्ट ईयर का है ये आपका जेनेटिक्स है, उसका मैं पहले चैप्टर का पढ़ा रही हूँ आपको, और इसी प्रकार ये बीएससी सेकेंड ईयर के लिए भी यूजफुल है। तो ये वीडियो आप दोनों के लिए है। देखिए ये बता रही सेक्स लिंकेज या जो एक्स क्रोमोसोम जो होता है सहलग्नता क्या कहलाती है, एक्स क्रोमोसोम के बारे में भी चीजें होती है उसके बारे में बता रही हूँ। देखिए ये नॉन होमोलोगस जो भुजा पर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, जो नॉन होमोलोगस भुजा जो होती है वहाँ पर ये पाया जाता है, जीन विकसित होता है, ये एक्स क्रोमोसोम कहलाता है, एक्स लिंकेज या एक्स क्रोमोसोम पर ये होता है, तथा नॉन होमोलोगस भुजा पर ये पाया जाता है, तथा जीन विकसित लक्षण कभी क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप बता सकते हैं कि एक्स सहलग्नता किसे कहते हैं, जो कि नॉन होमोलोगस भुजा पर उपस्थित होती है उसे हम एक्स सहलग्नता कहते हैं। आपको सीधा सिंपल समझ में आ रहा है, फीमेल जो होती है ये क्या होती है, होमो होती है, क्योंकि इसमें दोनों एक्स एक्स होते हैं और फीमेल जो होता है एक्स वाई होने के कारण ये हेटरोजाइगस होता है। तो होमोजाइगस और हेटरोजाइगस दो प्रकार का होता है, तो होमोजाइगस वंशावली अनुवांशिकता क्या है, तो वंशावली अनुवांशिकता है पेडिग्री या हीमोफीलिया को कहा, हीमोफीलिया क्योंकि वंशागति है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में स्थानांतरित होता रहता है, इसलिए हम वंशावली या फिर जनरेशन वाइज ये डिजीज है। हीमोफीलिया जो अप्रभावी जीन या सुतुप्त जीन एक्स जो होता है उसके कारण होता है, हीमोफीलिया अप्रभावी जीन एक्स जो होता है सुसुप्त अवस्था में जो जीन होता है उसके कारण होता है। हीमोफीलिया का क्या होता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, मेन इसकी डेफिनेशन है कि किसी स्थान पर अपन को चोट लग जाती है तो लगातार उसमें से ब्लड निकलता रहता है और वहाँ पे रक्त का थक्का जमने में प्रॉब्लम होती है। जॉन कैटलो ने इसकी खोज की थी और इसे ब्लीडर डिजीज भी कहा जाता है, ब्लीडर डिजीज के नाम से भी पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट ईयर वालों का थ्योरिकल लिखने वाला है, तो हीमोफीलिया को ब्लीडर डिजीज भी कहा जाता है। जॉन कैटो ने इसकी खोज की थी, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया की बीमारी में, और ये वंशागत रोग है, अनुवांशिक रोग है, ये सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के शरीर में देखा गया था, सबसे पहले ये बीमारी विक्टोरिया और विक्टोरिया जो थी उनकी पेडिग्री यानी वंशागत ये बीमारी एक के बाद एक दूसरे में होती गई, इसलिए कभी कभी इसे वंशावली रोग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता का मतलब होता है कि लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, यदि किसी को यह रोग है इसे कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, इसमें लाल और हरे रंग आदमी अगर लाल है तो हरा और हरा है तो उसको लाल दिखाई देगा, इसे रेटिना पिगमेंटेशन जो रेटिना में जो पिगमेंटेशन पाया जाता है उसके कारण यह वर्णांधता रोग होता है। अब इसमें कुछ प्राथ जैसे कि अगर सामान्य स्त्री है और प्रभावी पुरुष की विवाह करा दिया जाए या समान स्त्री और समान पुरुष, इस तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण जो आप याद कर लेंगे तो इसको कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जेनेटिक डिजीज या अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग 1941 में जॉर्ज बेट और एडवर्ड ने प्रतिपादित किया था और गैरोड जो है 1902 में गैरोड ने जन्मजात रोग कहा, याद रखना ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर वालों के लिए भी है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, 1902 में गैरोड ने इसे जन्मजात रोग कहा। अनुवांशिक रोग या जेनेटिक डिजीज जो अनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं उन्हें हम जेनेटिक रोग भी कहते हैं, इसे जन्मजात रोग भी कहते हैं। 1902 में गैरोड ने इसे बताया, सबसे पहला होता रंग रंजकहीनता या एल्बिनिज्म, ये त्वचा में मेलानिन की कमी के कारण होता है, रंजकहीनता त्वचा में मेलानिन, देखिए अपन काले सफेद चमड़ी किसके कारण होती है, मेलानिन के कारण होती है।
जो बीटा की छठवें स्थान पर, बीटा श्रृंखला के छठवें स्थान पर ग्लूमेटिन की जगह वैलिन जब परिवर्तित हो जाता है, कि मतलब जो एक अल्फा और बीटा की श्रृंखला है, जैसे ही छठवां स्थान आता है तो बीटा की जो छठवें स्थान में गैलिनिन जो होता है, ग्लूटामेट की जगह वैलिन आ जाता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये हसियाकार रोग हो जाता है। फिर फिनाइल केटोन्यूरिया, इसे PKUV कहते हैं, फिनाइल केटोन्यूरिया या PKUV कहते हैं। इसे फिनाइल वैलिन की कमी से अल्पबुद्धि, मीन्स क्या, फिनाइल केटोन्यूरिया जो PKU जो होता है, इसकी कमी में क्या होता है कि जो मंदबुद्धि उत्पन्न हो जाती है, मीन्स सीधे कहेंगे ब्रेन डेवलप हो जाता है और जो यूरिन निकलने लगता है, देन पसीना जो निकलता है बहुत स्टिकी या बदबूदार होता है, मिर्गी या फिर जिसको कहते हैं मिर्गी की बीमारी इसी से होती है। तो आप याद रखें PKU और फिनाइल केटोन्यूरिया जो होता है, फिनाइल एलेनिन की कमी के कारण अल्पबुद्धि, मस्तिष्क का पूरी तरह क्षतिग्रस्त होना, मस्तिष्क विकसित नहीं होता, इससे मिर्गी की बीमारी होती है तथा मूत्र निकलता है। ये हाइड्रोक्लीजेस की कमी से कारण, जो हाइड्रोक्लीजेस जो होता है उसकी कमी से होता है। फिर होता है तेसच रोग, तेसच रोग की नवजात में अंधापन